અમારી સાથે મેનેજમેન્ટ પાસે આપણી સાથે જોડાઈ ચુક્યા છે કંપનીના જોઈન્ટ એમડી ડી રામ રેડ્ડી. સર શુક્રિયા મેરે સાથ જુડને કે લિયે, વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન. સ્ટ્રોંગ નંબર્સ જો આપને પોસ્ટ કિયે હૈ, કિસ તરીકે સે યે ક્વાર્ટર રહા થા ઉસી કે એક ડિટેલ સે શરૂઆત કરે. વોલ્યુમ લેડ ગ્રોથ થા, કિસ તરીકે સે બ્રેકઅપ સેગમેન્ટલી ભી દિખ રહા હૈ, એક આઈડિયા અગર આપ મુજે દે પાએ. इसका वॉल्यूम का उतना नहीं है एक्चुअली. देखा गया तो वॉल्यूम्स थोड़ा 2-3,000 टन कम ही हो गया पिछले क्वार्टर से देखा तो. इफ यू कंपेयर ईयर ऑन ईयर बेसिस, यस इट इज डन वेरी वेल. व्हेन यू कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर टू दिस क्वार्टर, देयर इज अ ग्रोथ इन द वॉल्यूम्स. एक्चुअल क्या हुआ तो कैपेसिटीज हायर कैपेसिटी में चलने से वी गॉट द गुड रिलेशन इन द प्राइसिंग मार्जिन्स एंड प्रोडक्ट मिक्स भी. ओवरऑल ऑल द प्रोडक्ट्स, पहले क्या होता था, एक आधा प्लांट डाउन, एक आधा प्रोडक्ट कम रेट में चलता था, एक आधा प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्ट थ्रेट होके एंटी डंपिंग के लिए शॉर्टिंग चलता था. बट इस टाइम ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स वर डूइंग वेल एंड बोथ हायर कैपेसिटी, मोर देन 90-95% कैपेसिटी में चलने से वी गॉट द हायर रिलेशन मिला. दैट हैज कंट्रीब्यूटेड विद रिजल्टेड इनटू द higher profits. Agreed sir. आप काफी ज्यादा industries को cater भी करते हैं. Demand जो first quarter की बात करने जाए वहाँ पे कैसे दिख रही थी, और साथ ही quarter four आपके लिए in terms of जो बाकी parameters पे भी हम बातचीत कर रहे हैं, जो triethyl amine, dimethyl fumarate, ये जो remdesivir में भी use होते हैं, इसको लेकर क्या highlight रहा था, update था, कुछ दे पाए अगर आप मुझे. यस, ये जो मैं बताया अभी जो नया कमेंसमेंट हुआ है ट्राइथेलामाइन करके जो प्रोडक्ट है, ये जाता है रेमडेसिविर में, जाता है ग्रामेट्रिक के तौर पे जाता है, एट सर्टेन लेवल इंटरमीडिएट लेवल पे जाता है या सब इनिशियल में जाता है. एंड ये जो बहुत सारे जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, न्यू मॉलिक्यूल्स जितने भी नया आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द न्यू मॉलिक्यूल्स में ट्राइथेलामाइन जाता है. सो जिसके वजह से देयर इज डेफिनेटली गुड डिमांड. और दूसरा रहा जैसा हमने पिछले बताया इसका ईडीए के बारे में, इथिलीन डायमाइन जो है ना, वो पिछले साल का सिचुएशन तो टोटली डिफरेंट था. वी वर स्ट्रगलिंग टू सेल द प्रोडक्ट, बाकी का इंपोर्टेड बहुत मटेरियल आता था. अभी इस प्रोडक्ट क्या हो गया पता नहीं, देयर वाज समथिंग रॉन्ग टू ऑल ओवर वर्ल्ड, इट हैज बिकम शॉर्ट सप्लाई. जो चाइना से पहले आता था आज चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. पिछले क्वार्टर में वी हैव डन मोर देन 1000 टन ऑफ दिस ईडीए एक्सपोर्टेड टू चाइना. अभी आगे भी डिमांड अगले एक दो महीने का तो विजिबिलिटी दिख रहा है क्लियर कट, देयर इज अ डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट. और इसके साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल में जाने वाले प्रोडक्ट्स जैसे पेपरजिन है, डेटा है, उसका भी ट्रिमेंडस डिमांड दिख रहा है. सो वी सी दैट द सब्सिडरी फॉर दिस ईडीए सीरीज ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो देयर विल बी ब्राइट फ्यूचर. अग्रीड सर. आपने जो रिसेंटली कमेंसमेंट की बात की ग्रीनफील्ड ऑपरेशंस के, मुझे एक्चुअली सोलापुर की जो आपकी इथाइल अमाइंस की कैपेसिटी है उसके ऊपर भी बातचीत करनी थी. कितना रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ से आप देख रहे हैं, इनिशियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल कितना है, अगर आप कुछ डिटेल्स आप मुझे दे पाए. देखिए इनिशियल बोल तो अगले महीने तक तो इट शुड कम टू मोर देन 70-80% कैपेसिटी. ऑलरेडी 30-40% कैपेसिटी पे आ गया है पिछले 4-5 दिन में. 8 दिन के अंदर ही वी रीच टू 30-40% कैपेसिटी. वी एक्सपेक्ट दैट इन दी एटलीस्ट इन दी जून मंथ वी शुड रीच टू मोर देन 70-80% कैपेसिटी. दैट मीन्स अबाउट 40 tons पर डे वी कैन प्रोड्यूस दैट. एंड वी एक्सपेक्ट इन ओवरऑल टोटल ईयर फुल कैपेसिटी अगर यूटिलाइज करते हैं अराउंड 200-300 crores के बीच में रेवेन्यू में प्लस हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट. एंड सेकंड एडिशनल जैसा डीएमएफ करके जो प्रोडक्ट था पिछले सालों में बराबर नहीं चलता था, 20-30% कैपेसिटी पे चलता था जिसका भी शॉर्टेज है वर्ल्ड मार्केट में. आज अभी ऑलरेडी पिछले क्वार्टर में 48% कैपेसिटी तक गया और उसका भी पॉसिबिलिटी है 70% के आसपास, इसलिए 70-80% यूटिलाइजेशन में जाने के पॉसिबिलिटीज है जाता. तो इसका उसका दोनों मिलके तो अबाउट 200-300 crores का रेवेन्यू डेफिनेटली विल बी एडिंग टू द एग्जिस्टिंग टर्नओवर.
अच्छा सर, एक कमेंट बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, उसका परफॉर्मेंस इस क्वार्टर के दौरान कैसा था? क्या वहां से आप और कुछ केपेक्स एड ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं? इस पे कोई कैपेक्स नहीं रहेगा। इस पे देखिए, वी हैव डन लास्ट ईयर, लास्ट बिफोर ईयर 50-55 करोड़ का किया। अभी दिस 31 मार्च 2021 को वी हैव डन सम 176 करोड़। ये करंट ईयर में आई एम एक्सपेक्टिंग देयर शुड बी मिनिमम 250-300 करोड़ के आसपास। 250 तो मिनिमम टर्नओवर आना चाहिए। एंड प्रॉफिट आल्सो डेफिनेटली, पिछले साल में पूरा साल नहीं आ पाया, एक दो क्वार्टर में ही प्रॉफिट आया, सो इट विल बी डेफिनेटली कंट्रीब्यूटिंग टू द बॉटम लाइन द टोटल किटी। अग्री सर, इन टर्म्स ऑफ मीथेनॉल प्राइसिंग वो किस तरीके से शेप अप हो रहा है? क्योंकि जहां तक मैं ठीक समझ रही हूँ, मेजर रॉ मटेरियल है आपका और ईरान से आप सोर्स करते हैं इसको, क्या वहां से इंपोर्ट स्मूदन आउट हुए हैं क्या, या फिर कुछ डिस्ट्रप्शन अभी भी इंटैक्ट हैं? मैं ईरान का तो इंपोर्ट्स बंद हो गया है, फिर उनका डायरेक्टली नहीं आता, इनडायरेक्टली आते तो वो भी शायद नहीं आ रहा है। तो अदर देन ईरान, बहुत सारे न्यू कंट्रीज हैव टेकन दी पोजीशन, लाइक कतार से आना शुरू हो गया, ओमन का आना शुरू हो गया, तो डेफिनेटली पहले जैसा नहीं है बट स्टेबल है। पहले क्या होता था, देयर वाज वोलेटिलिटी बहुत होता था, कभी 15-20 रुपए से इट यूज टू गो अप टू 30 रुपीज। 10-15 रुपए का वॉलेटल भी जब किसी को कस्टमर को पास ऑन करना तो मुश्किल होता था, बट अभी जो हुआ है पिछले एक महीना डेढ़ महीने में हम देख रहे हैं, देयर इज ओनली 4-5 रुपीज का वॉलेटलिटी है, विच कैन बी पास ऑन इजीली टू द कस्टमर्स। ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है पास ऑन करने में। सो वी थिंक दैट ये 30 रुपए, अभी आज के दिन में 30 रुपए का प्राइस है, सो आई थिंक ये 25-30 के बीच में स्टेबल होना चाहिए।